डायलॉग इज रियली इम्पोर्टेंट। आज बेसिकली मैं हूँ जीटीबी मार्केट खन्ना में, जहाँ पर आयल्स की सबसे बड़ी मार्केट है पूरे पंजाब में। तो कई दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, तो चलिए एक एक करके काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं एंड ऑल दैट। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टूडेंट से जो मार्केट में ही घूम रहा है। ब्रो घूम रहा है, कैसे हैं, क्या नेम है आपका? समर सिंह। उठी बोल रहे हैं थोड़े? समर सिंह। ठीक है जी, आप बताइए व्यूअर्स को क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, बच्चों को इतना टाइम क्यों लगता है यहाँ पर? दिक्कतें दिक्कत नहीं जी, जरा हूँ साढ़े वर्ग हों सरकारी स्कूल पढ़े होंगे। की हेल्प करनी है जी, पैसे बढ़ते छह महीने हो गए बच्चे बच्चे आई लैस करते हैं। जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं उसके बारे में थोड़ा आगे आएंगे। तो फर्स्टली आपका नेम क्या है? गोरिक। ओके मिस्टर गोरिकवाल, तो आपको इधर में आप आइल्स कर रहे होंगे आई थिंक, तो क्या दिक्कतें आती हैं आइल्स में, लाइक स्टूडेंट को इतना टाइम क्यों लगता है? टाइम लगता है भी क्लास के बच्चे एक तो रश बहुत आ, अच्छा 100 to 120 बच्चा हैगा क्लास के बच्चे, तो कोई भी ओके इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देते हैं। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट के रश आ रादर दैन इंडिविजुअल अटेंशन, तो कुछ नहीं करते हैं किसी भी एक बच्चे के उत्ते, बस पैसे बटोरन तक मतलब आ और कुछ नहीं है। तो मतलब कि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तुम रेकमेंड की सलाह दे सकते हो इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट की सलाह भी पहला तो सलाह स्टूडेंट्स को आ भी हाँ जी का है ग्रेड बाहर जाने का, ठीक है भी अजकल तो यूट्यूब के उ बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म वधिया भी तुम उतो पढ़ सकते हो, तो अपना इंडिविजुअली जिन्ना भी सीख सकते हो घर बह के सीख लो, तो उसे का है नहीं कि इंडिविजुअल अटेंशन कोई नहीं दे रहा है, घर बह के जिन्ना वधिया पढ़ हूँ उतो वधिया कोई नहीं। चलो ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी लेट्स टॉक टू आवर नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि यहीं पे पास में ही अपने खड़े हुए। हेलो ब्रो, हेलो कैसे हो? तो अपना नेम बताइए फर्स्ट। मेरा नाम पुनीत। मिस्टर पुनीत, अच्छा जी आप ऑब्वियसली मार्केट में घूम रहे हैं, तो आई एम गेसिंग आप आयल्स ही कर रहे होंगे। हाँ सर, ये ज़्यादा देर होगी करते हैं ज़्यादा देर होगी, तो थोड़ा पास आएंगे ताकि व्यूअर्स को आवाज़ आए आपकी। एनीवेज, तो हम वीडियो बना रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को आयल्स में, इतना टाइम क्यों लगता है यहाँ पे पंजाब में एंड स्पेशली खन्ना में? प्रॉब्लम पता की गल है सर, उरे इंस्टीट्यूट बहुत नहीं, तो उहदे करके बच्चे को पता नहीं लगता है भी केड़ा वधिया केड़ा नहीं। अच्छा, तो मेन तो प्रॉब्लम यह है कि फिर इंस्टीट्यूट जिहदा नाम हुंदा बच्चा उहदे लग जांदा, तो उत्थे जाके फिर बच्चे काफ़ी हुंदे ने, टीचर तो इन्ना ध्यान दिता नहीं जाता है। ठीक है, इस करके मेन ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हुण तुसी काफ़ी जगह चेंज कीती है? हाँ, मैं काफ़ी जगह चेंज कीती है, तो हुण मैं एजुकेयर से लग्या होया एजुकेयर इंस्टीट्यूट, तो बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहे, टीचर बहुत वधिया ने, एजुकेटड ने, क्वालीफाइड ने। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਹਾਂ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਟੋਕ ਟੂ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਯਹੀਂ ਪੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਕੈਸੇ ਹੋ? ਤੋ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਕਾ ਨੇਮ ਕਿਆ ਸਰ? ਓ ਸਰ, ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, कि उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, उनको इतना टाइम क्यों लगता है पंजाब में आयल्स करने में, जो कि एक सिंपल इंग्लिश कोर्स है मेरे हिसाब से, तो इसी रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते थे। तो फर्स्टली आप आयल्स कर रहे होंगे आई थिंक, तो आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स तो बहुत गल करते हैं, सब तो पहले तो बंदा नर्वस बहुत ज़्यादा होता है, नर्वस एंड शाय फील करते हैं। ठीक है, चलो ये तो एक होंगी है बंदे के
ਆਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਪਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਸਮ ਆਫ ਦ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੰਨਾ ਮੇਂ ਜੀ ਡੀ ਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਔਰ ਉਨਕੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਫੇਅਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਥੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਫੇਅਰ ਰੀਜ਼ਨ ਥੇ ਤੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਪੀਲ ਆਲ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇ ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੇ ਹੈ ਯੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸਕੋ ਆਪਕੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਜੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ